गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 घन घनाभ तथा बेलन के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद से बचे जितने चैप्टर होंगे उन सारे क्वेश्चन को अभी सॉल्यूशन करवाऊंगा। और यह आपका बिना फेस वाली पहली वीडियो है, तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखिएगा और बताइएगा कि साउंड क्वालिटी क्या है, वीडियो क्वालिटी क्या है, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट घन घनाभ तथा बेलन के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट बात करते हैं घन के बारे में। तो जो आपका घन होता है, घन को इंग्लिश में बोला जाता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है क्यूब। जो आपका घन होता है डियर स्टूडेंट, आपके घर के कमरे की आकृति के आकार का होता है। यानी कि जो आपका घन होता है, आपके घर के अंदर जो कमरा होता है उस आकृति का आपका घन होता है। तो घन आपका कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से आपका घन होता है। और डियर स्टूडेंट जो आपका घन होता है, घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी ए ए है तो ए भी भुजा ए होगा और ए भी भुजा ए आपका होगा, यानी घन की प्रत्येक भुजा आपका समान होती है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट घन का आयतन क्या होगा। तो जो आपका घन का आयतन होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है ए क्यूब। यानी घन का आयतन आपका होता है ए क्यूब। वहीं पर घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका होता है डियर स्टूडेंट 6a². घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है। और जो घन का विकर्ण होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है कर्णी में 3 × a। तो घन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, घन का आयतन ए क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ 6a² और घन का विकर्ण आपका कर्णी में 3 × a होता है। कभी कभी आपके IERT एंट्रेंस एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि घन में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। अब 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, जैसे आपके घर के कमरे का एग्जाम्पल मैंने बताया कि वह एक घन के आकार का है। तो एक आपका फर्श हो गया, एक आपका छत हो गया और 4 दीवारें। इस तरीके से घन के टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। तो घन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट घनाभ के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा घनाभ के बारे में। तो घनाभ को इंग्लिश में बोला जाता है डियर स्टूडेंट क्यूबॉइड। तो जो आपका घनाभ होता है वह माचिस के डिब्बे की आकृति का होता है। जो आपका घनाभ होता है वो माचिस के डिब्बे की आकृति का होता है। तो बात करते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट जो आपका घन का आयतन होता है वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। जो एल है घनाभ का लंबाई है और बी जो है घनाभ की चौड़ाई है और एच जो है घनाभ की ऊंचाई है। वहीं पर बात करें डियर स्टूडेंट घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो जो आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2 (l×b) प्लस का b×h प्लस का h×l होता है। ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट जो आपका घनाभ का विकर्ण होता है वो आपका होता है √ कड़ी में l² प्लस का b² प्लस का h² के रूप में। तो घनाभ के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट बेलन के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा बेलन के बारे में भी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो जो आपका बेलन होता है डियर स्टूडेंट, बेलन को इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर। बेलन को इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर। तो जो आपका बेलन होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये बेलन आपका इस तरीके से कुछ होता है डियर स्टूडेंट। तो बेलन की त्रिज्या में मान लेते हो स्मॉल आर है और जो बेलन की हाइट है वो आपका स्मॉल एच है। तो बात करें बेलन का आयतन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट जो आपका बेलन का आयतन होता है वो आपका होता है π r² × h।
जो पाई की वैल्यू होती है वो आपका होता है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। अब बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2πr(h) का एच के रूप में, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है। वहीं पर जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2πr ब्रैकेट में r+ का h के रूप में। तो बेलन के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, बेलन का आयतन πr² है, वक्र पृष्ठ 2πr है, संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r+ का h के रूप में। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट खोखले बेलन के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा, खोखले बेलन और बेलन के फार्मूले में सिंपल सा केवल रेडियस का अंतर है। तो ध्यान से समझिएगा खोखले बेलन के बारे में, तो डियर स्टूडेंट खोखले बेलन का फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं खोखले बेलन का फिगर ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से कुछ आपका खोखला बेलन होता है। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने खोखला बेलन एक बना दिया। तो खोखले बेलन में दो त्रिज्याएं होती हैं, एक आपकी आंतरिक त्रिज्या होती है और एक आपकी बाहरी त्रिज्या होती है। आंतरिक त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर है, और जो आपकी बाहरी त्रिज्या है इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर है, और जो बेलन की ऊंचाई है इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल एच है। तो बात करते हैं खोखले बेलन का आयतन क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो आपका होता है, डियर स्टूडेंट खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो आपका होता है पाई ब्रैकेट में r² माइनस का r² * का h के रूप में। खोखले बेलन का आयतन पाई ब्रैकेट में r² माइनस का स्मॉल r का स्क्वायर * का h। वहीं पर जो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है 2π आर माइनस का स्मॉल आर इंटू का यस। बस कुछ नहीं हो रहा है खोखले बेलन और बेलन की फार्मूला में, जहां पर आर वहां पर था स्मॉल आर, वहीं पर कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर हो जा रहा है। वहीं पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो जो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका 2π ब्रेकेट में कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर, और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर प्लस का एच के रूप में। तो खोखले बेलन के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बिल्कुल शानदार तरीके से कराने वाला हूँ, समझिएगा डियर स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपका कुछ इस प्रकार से है। आपको दे रखा है एक घन का विकर्ण 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। दे रखा है एक घन का जो विकर्ण है वो आपको दे रखा है 6 कड़ी में 3, तो आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जो घन का विकर्ण होता है वो आपका 1 कड़ी में 3 होता है, और घन का विकर्ण आपको दे रखा है 6 कड़ी में 3 के रूप में, तो मैंने रख दिया 6 कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल आउट होगा, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6, ए की वैल्यू आपको मिल गई 6। अब आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो आपको पता है कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका होता है 6a², तो 6 हो जाएगा, a की वैल्यू आपने निकाला है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 × 36 आप करेंगे तो 216 वर्ग सेमी आएगा, यानी कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा 216 वर्ग सेमी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, आपको दे रखा है एक घन की कोर 20% बढ़ा दी जाती है, घन का आयतन बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, एक घन की कोर को 20% बढ़ा दी जाती है, तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो घन की प्रारंभिक कोर है वो आपका 100% रही होगी। अब 20% बढ़ाने के बाद घन की जो कोर है A2 हो जाएगी, वो आपका 120 हो जाएगी। मैंने क्या माना कि घन की जो प्रारंभिक कोर है वो आपका 100 है और 20% वृद्धि के बाद घन की कोर आपका 120 हो गई। तो 20 से कैंसिल कर लो, 20 पच्चीस सौ और 20 छक्का 150, यानी A1 की जो वैल्यू आपका है 5 है और 20% वृद्धि के बाद घन की कोर आपका 6 हो जाती है। तो जब घन की कोर आपका 5 थी तो आयतन निकाल लीजिए, यानी V1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, A1 के क्यूब के बराबर होगी। तो A1 की वैल्यू है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जब घन की कोर 6 है तब आयतन निकाल लीजिए, तो घन की कोर जब 6 है तब आयतन निकाल लो, तो 6 का क्यूब करोगे तो 216 हो जाएगा। यानी कि घन की जो प्रारंभिक आयतन है वो आपका 125 है और 20% की वृद्धि करने के बाद घन का जो आयतन हो जाता है वो आपका 216 हो जाता है। तो देखिए घन के आयतन में कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप देख सकते हैं घन के आयतन में 91 की वृद्धि हो रही है। किस पर, 125 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, 25 चौका 100, 25 पच्चीस 125। अब देखिएगा यहाँ पर 91 × 4 करो तो 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36, बट्टे का आपका हो जाएगा 5, 5 से काट लो तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40। यानी घन के आयतन में 72.8% की वृद्धि होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आपका डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ध्यान से आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है, बोला है दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनकी कोरों में अनुपात होगा, ये आपको बताना है। तो दो घनों की आयतनों में अनुपात 8:27 दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ पहले घन का आयतन V1 है और दूसरे घन का आयतन V2 है, उनके आयतनों में अनुपात दे रखा है 8:27। V1 की जगह पर हम क्या लिख सकते, A1 का क्यूब, यानी कि घन का जो आयतन होता है वो आपका एक ही होता है, तो V1 की जगह पर मैंने A1 क्यूब रख दिया और V2 की जगह पर हम लिख सकते हैं A2 का क्यूब बराबर आपको हो जाएगा 8/27। अब दोनों तरफ का क्यूब रूट निकाल दो तो मिलेगा आपको A1/A2 की वैल्यू मिल जाएगा आपको 2:3, यानी कि घन की कोरों में जो अनुपात होगा वो आपका 2:3 होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 10 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी कमरे में अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जा सकती है वह कमरे के पीकॉन के बराबर रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लंबाई दे रखा है 10 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 6 मीटर और ऊंचाई आपको दे रखा है 4 मीटर। तो आपको अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जाएगी वो आपको बताना है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो आपका होता है √L² प्लस का B² प्लस का H² के रूप में। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, तो L का मान 10 है तो 10² प्लस का B की वैल्यू 6 है तो 6² प्लस H की वैल्यू 4 है तो 4² अब इसको आप सॉल्व कर लो तो देखो 10² करोगे 100 आएगा, 6² करोगे 36 आएगा, 4² करोगे 16 आएगा, टोटल ऐड करोगे तो √152 आएगा। √152 की वैल्यू 12.33 के बराबर होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए।
अब डियर स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15, 8 व 10 मीटर है। यह 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है। यदि गोदाम की सभी बीमाओं को दोगुना कर दिया जाए तो इसमें रखी जा सकने वाली बोरों की अधिकतम संख्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक आपका गोदाम है जिसकी लंबाई 15 मीटर दे रखा है और चौड़ाई आपका दे रखा है, चौड़ाई आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 10, चौड़ाई आपको दे रखा है 8 मीटर और ऊंचाई आपको दे रखा है 10 मीटर। यानी कि 15 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे गोदाम में 1200 बोरी रखी जा सकती है। यदि गोदाम की प्रत्येक बीमा को दोगुनी कर दिया जाए तो कितनी बोरी आ सकती है ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि L1 की वैल्यू 15 है, L2 की वैल्यू 8 है, B1 की वैल्यू 8 है और H1 की वैल्यू आपका 10 मीटर है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितनी बोरी अनाज आती है। तो 1 मीटर क्यूब में देखते हैं कितनी बोरी अनाज आती है, तो हम गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं। तो गोदाम का आयतन L1 B1 × H1 होगा, इसमें आपकी 1200 बोरी आती है। अब देखना डियर स्टूडेंट, 1200 बोरी आती है, L1 की वैल्यू 15 रख दो, B1 की वैल्यू 8 रख दो और H1 की वैल्यू 10 रख दो, बराबर आपका हो जाएगा 1200 बोरी। अब देखो 15 × 120 × 10 करोगे तो 1200 मीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो आपका 1200 बोरी के बराबर है। तो 1200 से 1200 कैंसिल, यानी 1 मीटर क्यूब में आपकी 1 बोरी अनाज आएगी, यानी कि 1 मीटर क्यूब आयतन में 1 बोरी अनाज आएगी। अब यह बोला जा रहा है कि प्रत्येक बीमा को दोगुना कर दिया जाता है, तो पहले लंबाई आपका 15 था तो दोगुना कर देंगे, यानी L2 की वैल्यू 30 हो जाएगा, B2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 16, क्योंकि पहले आपकी चौड़ाई 8 थी तो दोगुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, पहले आपका 10 था अब आपका 20 हो जाएगा। अब देख लीजिए प्रत्येक बीमा को दोगुना करने पर आयतन कितना हो जाएगा गोदाम का, तो गोदाम का आयतन निकालने के लिए L2 × B2 × H2 हो जाएगा। L2 की वैल्यू 30, B2 की वैल्यू 16 और H2 की वैल्यू 20, तो सॉल्व कर लीजिए तो 00 हो जाएगा। उसके बाद से 16 × 48 × 96, यानी कि 9600 मीटर क्यूब आपका गोदाम का आयतन हो गया। कब? जब गोदाम की प्रत्येक बीमा को दोगुना कर दिया गया था। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1 बोरी आती है, तो 9600 मीटर क्यूब में कितनी बोरी आएगी, 9600 बोरी आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी, आप ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, एक धातु के खोखले बेलनाकार टुकड़े का बाहरी व्यास आपको दे रखा है 28 मिलीमीटर तथा आंतरिक व्यास आपको दे रखा है 1.4 मिलीमीटर और इसका वजन आपका 462 ग्राम है। अगर यह बनाने के लिए इस टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई होगी, ये आपको बताना है। धातु का घनत्व तो आपको दे रखा है 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो आपको प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, आपको दे रखा है खोखले बेलनाकार टुकड़े की जो बाहरी व्यास है वो आपका 28 मिलीमीटर है और जो आंतरिक व्यास है वो आपका है 14 मिलीमीटर। तो आपका जो बाहरी व्यास है वो आपका 28 मिलीमीटर है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, तो बाहरी त्रिज्या आपकी हो जाएगी 14 मिलीमीटर और आंतरिक व्यास आपको दे रखा है 14 मिलीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता है
जो आपका रेडियस होता है व्यास का आधा होता है। अब डियर स्टूडेंट आप एक चीज देख रहे हैं कि जो वजन m की वैल्यू दे रखा है वो आपको 465 ग्राम दे रखा है, यानी कि आपका वजन ग्राम में है और ये आपका मिलीमीटर में है। तो सबको एक यूनिट में करने के लिए करेंगे क्या, इस मिलीमीटर को भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो आपको पता है कि एक सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी एक मिलीमीटर की जो वैल्यू होती है वो आपका 1/10 के बराबर होती है। एक मिलीमीटर की जो वैल्यू होती है वो आपका 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होती है, यानी कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे तो 1.4 मिलीमीटर में 10 से भाग देंगे तो आपको 1.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। वहीं पर 7 मिलीमीटर में 10 से भाग देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट बेलन का हम आयतन निकाल लेते हैं, खोखले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो खोखले बेलन का आयतन आपका क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू का एच। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू आपका है 1.4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर इंटू का एच हो जाएगा। तो देखना ये आपका 22/7 है, 1.4 14 का स्क्वायर 196 होता है तो 196 आप लिख दो, कितने अंक पे, 2 अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 49 लिख दो, 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, इंटू का आपका हो जाएगा यस। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 22/7, 1.96 में से आप 0.49 घटाओ तो 16 में से 9 जाएगा 7, फिर 4 में से 4 जाएगा 4, फिर 1, यानी कि 1.47 गुणे का एच हो जाएगा। 7 से काट लो तो 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, यानी कि 0.2 n आएगा। इस तरीके से जो खोखले बेलन का आयतन होगा वो आपका 22 × 0.21 × h हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है, डियर स्टूडेंट कि जो आपका घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे का आयतन, घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे का आयतन। तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान आपका है 462 ग्राम, तो इसको आप 462 लिख दिया। उसके बाद से डियर स्टूडेंट द्रव्यमान आपका है 462 ग्राम, घनत्व आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 है, और आयतन आपने निकाला है, 22 × 0.21 × h के रूप में। अब देखिएगा, अब 22 से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहाँ पर आप 22 से काटेंगे तो 22 × 2 = 44, फिर 22 × 1 = 22 हो जाएगा। उसके बाद से डियर स्टूडेंट आपको मिल जाएगा 21 = 10 × 0.21 × h। तो यहाँ पर 21 आपको मिल जाएगा 2.1 × h, तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, h की वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर के टुकड़े को 4 टुकड़ों में बांटा जाता है, तो 10 को 4 टुकड़ों में बांटोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप देख रहे हैं चारों ऑप्शंस आपके मिलीमीटर में दिए गए हैं, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुणा कर लो, तो 2.5 × 10 करोगे तो 25 मिलीमीटर आ जाएगा, यानी प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 25 मिलीमीटर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, बोला है 1 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रवाहित हो रही है, नहर का पानी समुद्र में गिरता है, समुद्र में पानी का निस्तरण घन मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको जो चाल दे रखा है वो
वो आपको दे रखा है 5.4 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन आपको ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं। तो 18 तिया हो जाएगा 54, यानी आपको मिल जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप समुद्र में पानी का निस्तरण निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, चाल तो आपने निकाला है 1.5, और आपको जो गहराई दे रखा है वो आपका 4 दे रखा है, और चौड़ाई आप 50 इससे गुणा कर लीजिए। तो 1 0 से 1 दशमलव कट जाएगा, यानी 15 × 4 × 6 मिल जाएगा, सॉरी 5 मिल जाएगा। तो 15 चौका 60, और 60 × 5 करोगे तो मिल जाएगा आपको 300 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको बताया घन घनाभ तथा बेलन के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे प्रश्नों का सारांश। और डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बिना फेस वाली पहली क्लास है, आप वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार जरूर देखिए और बताइए साउंड क्वालिटी क्या है, वीडियो क्वालिटी क्या है, और किन किन चीज़ों पर हमको और बेहतर बनाने के लिए काम करना है। तो वीडियो को देख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।